हेलो दोस्तों, मैं निरंजन और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग होम यूट्यूब चैनल। और मैं इस फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग में मेरा 7.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मैं इसमें 7.5 सालों से ज़्यादा हो गया मैं इस फील्ड में कार्यरत हूँ प्राइवेट सेक्टर में। और मुझे इंडिया आउट ऑफ विदेश दोनों का एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ कंट्री और इंडियन दोनों का जो है मुझे एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने अभी जो है 10th और 12th पास किया है और वो अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के गाइड करने के लिए, करियर में गाइड करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज दिस सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग क्या है और सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है और सिविल इंजीनियर कैसे बने। इस वीडियो में हम बात करें, तीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा सिविल इंजीनियरिंग क्या है। सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी ब्रांच है जिसमें आपको सिखाया जाता है डैम, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स के संरचना को डिजाइन करना, उनको बनाना और उनके रख रखाव के बारे में इसमें सिखाया जाता है। हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियर का काम क्या है, मतलब सिविल इंजीनियर काम क्या करते हैं। तो सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, सबसे पहले जब कोई प्रोजेक्ट बनना होता है तो उसमें उसका पूरी जो है सर्वे की जाती है, उसमें सिविल इंजीनियर का पूरा हाथ होता है। फिर उसके बनने वाले सॉइल टेस्टिंग की जाती है, कितना लोड कैपेसिटी ले सकता है, वहाँ भी सिविल इंजीनियर का काम होता है। रिपोर्ट सब डाटा उनके थ्रू बनाया जाता है। उसके बाद सिविल इंजीनियर का काम होता है उसका डिजाइन करना, जो हमें स्ट्रक्चर बनने वाला है उसको सिविल इंजीनियर द्वारा ही डिजाइन किया जाता है, ये भी सिविल इंजीनियर का काम होता है। फिर उसके बाद डिजाइन करने के बाद उसको जो है साइट पे जो लेआउट करना, उसको बनाना, एग्जीक्यूशन, सुपरविजन जिसको कहते हैं, वो भी एक सिविल इंजीनियर के थ्रू ही किया जाता है। फिर उसके बाद बनने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उनके रख रखाव मेंटेनेंस का काम भी एक सिविल इंजीनियर को ही होता है। ठीक, तो ये होता है सिविल इंजीनियर का काम। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको दो कोर्स है इंडिया में, पहला है डिप्लोमा और दूसरा है डिग्री। तो डिप्लोमा जो होता है वो 10th के बाद होता है। अगर आप 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिए हैं तो आप जो है डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और आपने 12th किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, और तब आप जो है बीटेक डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बीटेक आप कई जगहों पर बीई के नाम से कराया जाता है, तो बीटेक कर सकते हैं। ठीक, और इसका जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है, 3 साल आपको पढ़ाया जाता है, 3 साल बाद आप जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है। और उसके बाद अगर आप 12th करके जाते हैं तो 4 सालों का हो, 4 साल करने के बाद आपको जो है इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में आपको डिग्री मिल जाता है। ठीक, और इसमें एडमिशन लेने के लिए कई सारे जो डिप्लोमा वाले होते हैं उनके स्टेट लेवल पे एग्जाम कराया जाता है, जिसमें एग्जाम आप क्वालिफाई करने के बाद आप जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और कई सारे कॉलेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर वाले डायरेक्ट भी एडमिशन ले लेते हैं। और ऐसे ही इंजीनियरिंग आप बीटेक में, बी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईटी, जेई और ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है और डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाता है आजकल प्राइवेट सेक्टर में। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।